हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जी, आज कितने दिन हो गए आप आज लर्न करते वक्त? आज छठ हुआ, सिक्स डे है। गुड। और कितना समय मिलता है डेली आपको? एक घंटा। तो आपको क्या लगता है कि अब आपको कार चलानी आ गई, अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है? प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपकी एज कितनी है? 69। तो दोस्तों 69 एज है और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया इनका, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें भूल जाते थे पहले। कई बार ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दब जाता था, एक्सेलेटर की जगह ब्रेक दब जाता था, टाइम पे ब्रेक पे पैर नहीं आता था। लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस करा और प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें, समय लग सकता है, हो सकता है 10 दिन की बजाय 15 दिन लग जाए, 15 दिन की बजाय 20 दिन लग जाए, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे ना डियर, तो फिर ये नहीं कि आप सीख ना पाएं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, आप लगे रहिए। बस ये चीज़ है कि आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। किसी ने 10 दिन में सीखा तो किसी को 15 दिन लग गए थे, किसी को 20 दिन लग गए, महीने भी लग जाते हैं लोगों को। लेकिन हाँ, अच्छी तरीके से ड्राइविंग सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आप कौन से गियर में ड्राइव कर रहे हैं? थर्ड गियर में। अभी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ गियर तक ये बहुत ही स्मूथली कार को ड्राइव कर ले रहे हैं। कोई हेल्प की इनको ज़रूरत नहीं है। बस अरते थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करी इन्होंने और ध्यान दिया। मैंने जो जो चीज़ें बताई इन्होंने अप्लाई किया, उन चीज़ों को फॉलो किया, कुछ वीडियोस मेरी देखी। और काफ़ी दूर से आते हैं डेली। आप कहाँ से अप डाउन करते हैं? उन्नाव से डेली अप डाउन करते हैं डेली। और रहते वैसे कहाँ हैं आप? इलाहाबाद। किस डिपार्टमेंट में थे आप? रेलवे में। अब आप लगा लीजिए डेली उन्नाव से अप डाउन करते हैं ये। कितने बजे घर से निकलते हैं डेली आप? 9 घंटे लगते हैं आने और जाने में, ये लगा लीजिए दोस्तों। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब यहाँ लोग बगल में होते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया बहुत दूर है, ब्ला ब्ला दुनिया रिंग की बातें बताने लगते हैं। सीधा चलना है। इन्होंने मेहनत करी तो मेहनत रंग लाई है। सुबह 9 बजे 10 बजे घर से निकलते हैं और यहाँ इनकी जो क्लास होती है वो 3 से 4 होती है डेली। 7 बजे घर पहुँच जाते हैं वापस। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप सीख नहीं सकते हो, बस आपके अंदर जुनून कितना है, आप कितना चाहते हो और कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, वो डिपेंड करता है। अभी ये थर्ड गियर में कार चला रही हो और मैंने एक बार भी अभी तक क्लच ब्रेक को यूज़ नहीं किया और लगभग अप्रॉक्स ये मेरे सेंटर से 5 किलोमीटर दूर तक आ चुके हैं कार को लेके। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं इनको समझना और सीखना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एकदम हमें सीधा चलना है। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे रख लीजिएगा क्योंकि सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है। ब्रेक पे रख लिया, एकदम सीधा चलना है। अब ब्रेक को फ्री करो थोड़ा सा। हाँ गुड। अभी बढ़ा लो, पुल पे चढ़ जाओ। सीधा चलना, पुल पे चढ़ना जहाँ पे राइट साइड में। हाँ और थोड़ा राइट, गुड। अभी हाँ लेफ्ट आओ, गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करिए क्योंकि गाड़ी आपकी थर्ड गियर में थी और स्पीड बहुत कम हो गई थी, इसलिए झटका लग रहा था। जो खट खट करके आवाज़ आ रही थी वो इसीलिए आ रही थी क्योंकि झटका लग रहा था। सेकंड गियर में आपकी कार 20- भी चली जाती तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर थर्ड गियर में 20- जाती है ना तो इंजन मैनेज नहीं कर पाता है क्योंकि स्पीड बहुत कम हो जाती है। थर्ड गियर की मिनिमम 30 होती, मैक्सिमम 40 होती है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी गियर आपको लगे स्पीड बहुत कम हो रही है तो गियर डाउन कर लेना चलते चलते। आपने किसी ट्रेंड व्यक्ति को देखा है चलाते हुए? उसका हमेशा लेफ्ट हैंड गियर लीवर पे होता है, ये गियर लीवर पे हमेशा उसका लेफ्ट हैंड रहता है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने 70-80% ड्राइविंग सीख ली, बस एज के हिसाब से थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। डेली गाड़ी निकालेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये चलाएंगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अभी करीब 400 मीटर चल के फिर आपको वहाँ से यू टर्न मारना है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है डाउन हिल। गाड़ी अपनी लेफ्ट वाली ही लाइन में रखना, राइट वाली मत ले जाना क्योंकि राइट वाली लाइन को आपको फ्री छोड़ना है। अभी स्पीड मेंटेन कर लो। हम्म,
की बस हल्की सी स्पीड बढ़ाई। हाँ अब आगे देखो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वहां से हमें कार को टर्न करना है, तो अभी से आप प्लानिंग करना स्टार्ट करो, तो चलते रहो सीधा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करते जाइएगा आप, हल्का सा स्पीड मेंटेन करो। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, पूरा क्लच दबाओ, हाँ लेफ्ट लाके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो क्लच को फ्री करो, राइट का सिग्नल दो, नीचे को सिग्नल दो, पहला कट छोड़ के दूसरे कट से यू टर्न मारना है, चलते रहो चलते रहो। अब धीरे धीरे राइट दबाना स्टार्ट करो अपनी कार को, हाँ अब राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ, फाइनली ब्रेक पे ले आओ, हाँ चलते रहो। अब यहाँ से यू टर्न मारना है आराम से, स्लो करके, हाँ आराम से, आगे जाके थोड़ा आगे जाके आ जाओ, टर्न करो फटाफट, टर्न करो, हाँ जाओ, हल्का सा रेस लो, हल्का एक्सीलेटर लो, सीधी करो फटाफट, सीधी करो, बस सीधी रखना, देखो गाड़ी है इधर लेफ्ट में। अब अपनी लाइन चेंज कर लो, लेफ्ट का सिग्नल देके धीरे धीरे लेफ्ट आ जाओ, सिग्नल के बिना मत आना, बिना सिग्नल के नहीं, और इस लेफ्ट वाले शीशे को देखते हुए। ऐसे बिजी रास्तों पे कभी भी अगर आप चल रहे हो तो सिग्नल का सहारा लीजिए, लेफ्ट जाना है तो सिग्नल, राइट जाना है तो सिग्नल, ताकि आने जाने वाले लोग आपको देख सकें। अब थर्ड गियर डालिए, गियर चेंज करो, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी देखो स्टीयरिंग जरा सा भी लहराता नहीं, पहले स्टीयरिंग आपसे लहरा जाता था। स्पीड बढ़ाइए, हाँ गुड। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के फोर्थ गियर डालो सीधा सीधा, वेरी गुड, छोड़ो क्लच, थर्ड और फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में क्लच को आप एक सेकंड में रिलीज कर सकते हो, जैसे गियर डाला तुरंत क्लच छोड़ सकते हो, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा है ना तो इंजन बंद नहीं होगा। स्पीड बढ़ाओ, हाँ लेफ्ट आओ, चलते रहो धीरे धीरे, हाँ लेफ्ट आओ, हाँ चलते रहो, स्पीड बढ़ाओ, राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आइए, क्योंकि अब डाउन हील आ रहा है, गाड़ी अपनी लेफ्ट ही रखिएगा, ज्यादा राइट मत ले जाइएगा, क्योंकि राइट साइड से भी व्हीकल आ रहे हैं ना, लेफ्ट ही रखिएगा, और लेफ्ट आओ, लेफ्ट आओ, चलते रहो सीधा, ब्रेक पे पैर रखो, स्पीड कम, स्लो स्लो ब्रेक लो, हल्का गियर डाउन करो, थर्ड गियर करो, चलते 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 क्लच दबाओ, हाँ अभी देखो यहाँ पे आपने पूरा क्लच नहीं दबाया था, पता चला आपको, आपने सिर्फ आधा क्लच दबाया था, गियर तो आधे क्लच पे भी लग जाता है, पर गियर बॉक्स डैमेज हो जाएगा, क्लच प्लेटें खराब हो जाएंगी, तो कभी ये गलती नहीं करना है। बढ़ाइए स्पीड, हाँ अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के फोर्थ गियर डालो, गुड, वेरी गुड। दोस्तों देखो 1% भी स्टीयरिंग लहराती नहीं है इनकी, बहुत सारे लोगों से स्टीयरिंग लहरा जाती है जब गियर चेंज करने लगते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग स्टीयरिंग को बहुत टाइट पकड़ लेते हैं, स्टीयरिंग को बस खाली टच करना होता है, लाइन मत चेंज करिएगा मुस्तफा जी, स्पीड कम, हाँ ब्रेक लो हल्का सा, क्योंकि वो लेफ्ट जाएगा, चलो जाने दो, सीधा रखो सीधा सीधा, चलो चलो चलो, हल्का राइट रखो, हाँ
जाने दो, धीरे धीरे सीधा चलना है। चलो 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 चलो, बस हल्का ब्रेक लो, हल्का सा, हाँ बस, गुड गुड, वेरी गुड, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने देखा कितना गजब का कॉन्फिडेंस है, और आज इनको 6 डे हो चुके हैं और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, और एज इनकी 70 साल है। तो आप लोग भी सीख सकते हैं, बस कोशिश करते रहिए, हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। फुर्तगी डाल लीजिए अभी मुस्तफा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कोई स्टीयरिंग भी गजब का कंट्रोल कर ले रहे हैं, गाड़ी लहरा भी नहीं रही है, ऐसा भी नहीं कि क्लच दबा के एक्सेलेटर ज़्यादा मार दे रहे हैं, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।